दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शक्तिवार। आज मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको अपना एक्साइटमेंट लेवल यहाँ पर बता भी नहीं सकता, क्योंकि आज मैंने देखा आरआरआर का मोशन पोस्टर और मैं जब ये देख रहा था तब भाई घूस बम्स आ रहे थे। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होने वाला है कि कोई दो फिल्म जिसका लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने थंबनेल देख के तो समझ चुके हैं कि आज मैं बात करूं केजीएफ चैप्टर 2 और आरआरआर दोनों ही मोशन पोस्टर के बारे में। और मैं आपको इतना बता देता हूं कि दोनों ही फिल्में रिलीज होने से पहले ऑलरेडी करोड़ों की कमाई कर चुके और ये दोनों फिल्में इतिहास में पहली दो फिल्म ऐसी बनी जिसका वेट लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं। अगर केजीएफ चैप्टर 2 के अगर आप बुक माय शो पे देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे आज तक कोई भी फैंस किसी फिल्म के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे जितना उस फिल्म के लिए, यानी केजीएफ चैप्टर 2 के लिए। और वही सेम बात अभी आप आरआरआर के लिए भी देखोगे। हालांकि दोनों ही फिल्म के रिलीज डेट में काफी एक मेजर डिफरेंस, यानी केजीएफ चैप्टर 2 अक्टूबर 23 में आने वाली और वही अगर आप आरआरआर की बात करो तो ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी 2021 के जनवरी में। लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों ही फिल्म अपने आप में एक पोटेंशियल लगती है कि 1000 करोड़ प्लस कमाने के लिए। मैं यहाँ पर 500 की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर 1000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही फिल्म की जो एक बोलते हैं ना क्रेज है वो इतना ज्यादा है कि कोई बॉलीवुड की फिल्म मैच ही नहीं कर सकती। और आप यकीन मानो आप कितना भी गूगल कर लो कुछ भी कर लो 2020 में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो केजीएफ चैप्टर 2 के टक्कर में आ सके। मैं यहाँ पर बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, सेम वही बात है 2020 में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जो आरआरआर की टक्कर में आ सके बॉलीवुड के इसमें। तो समझ लो कि अब तेलुगु इंडस्ट्री हो या कन्नड़ा इंडस्ट्री हो बॉलीवुड को पूरी तरीके से लोग निकल लिए, कुछ भी नहीं बचा है बॉलीवुड को। अभी सिर्फ एक ही फिल्म से होप है वो है सूर्यवंशी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जितना भी कोरोना वायरस का लफड़ा चल रहा है तो उस हिसाब से वो फिल्म शायद ईद में ही रिलीज होगी। और जो सलमान खान की जो राधे फिल्म है अब वो भूल जाओगे वो ईद में रिलीज होगी क्योंकि उसकी शूटिंग अभी तक कंप्लीट हुई नहीं और 14 अप्रैल तक हमारे इंडिया में सब कुछ लॉकडाउन है तो उसकी फिल्म की शूटिंग होगी नहीं और मई में ईद है। तो इसका मतलब यह है कि सूर्यवंशी ईद में रिलीज होगी अगर थिएटर्स खुलते हैं तब तक सब सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो। लेकिन फिर भी लोगों का सूर्यवंशी के लिए भी इतना ज्यादा क्रेज नहीं है जितना केजीएफ चैप्टर 2 और आरआरआर के लिए। ये दिखाता है कि जो ऑडियंस है जो पब्लिक जो फिल्में देखती है वो अब कितनी साउथ की फिल्में देखना पसंद कर रहे हैं। और केजीएफ चैप्टर 2 की बात करें तो मेरे लिए वो एक ऐसी फिल्म है जो मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और एसएस राजामौली सर की आरआरआर की बात करें तो बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बाद जो लोगों में क्रेज बढ़ा है फिल्मों के लिए और जो स्पेशली साउथ की फिल्मों के लिए तो वो तो भाई एक नेक्स्ट लेवल वाला क्रेज है। उसके बाद सैंडलवुड की जो केजीएफ आई थी उसके बाद तो समझ लो एक ऐसी छुपी हुई इंडस्ट्री जो लोगों के सामने आ गई थी। तो अब मुझे पर्सनल ऐसा फील हो रहा है कि भाई साउथ के चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो टॉलीवुड हो मॉलीवुड हो कॉलीवुड हो इन लोगों ने अब ठान के रख दिया कि अब बॉलीवुड वालों को पीछे करना है। हालांकि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में ग्लैमर है पैसा बहुत है और बहुत बड़ी रीच है, मतलब कि हर दूर दूर कंट्रीज में आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। लेकिन अब साउथ की फिल्में कुछ ऐसी आ रही है जैसे आरआर हो गई या केजीएफ चैप्टर 2 हो गई तो अब ऐसा लगता है कि बहुत वो वक्त दूर नहीं जब लोग बॉलीवुड की फिल्में छोड़कर साउथ की फिल्में देखना ज्यादा पसंद करेंगे। और मैं तो यहां पर मोस्टली हर एक फिल्म का रिव्यू करता जो अच्छी है जो आप तक पहुंचना चाहिए। मैंने आरआरआर का मोशन पोस्टर देख के इतना ही कह सकता हूं कि भाई इस बार एसएस राजामौली इतिहास लिखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इतिहास लिखने वाला है वो है केजीएफ चैप्टर 2। तो मैं ये दोनों ही फिल्मों को सपोर्ट करूंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दूंगा कि ये दोनों फिल्म को मैं प्रमोट कर सकूं। हालांकि हमारे चैनल या अरहान एंटरटेनमेंट या कोई भी चैनल की कोई औकात नहीं है कि इन दोनों बड़ी फिल्मों को प्रमोट करना, क्योंकि ये दोनों फिल्म अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है जिसके खरीदार आग बंद करके इनको खरीदेंगे। तो किसी की जरूरत ही नहीं है, बस इतना है कि हम लोग एज अ फैन इन मूवीज को प्रमोट करेंगे। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ एसएस राजामौली सर की जो आरआरआर है वो इतनी खास क्यों है। सबसे पहली बात तो एक पीरियोडिक फिल्म होने वाली, उसके अलावा यहाँ पर आपको रामचरण जूनियर एनटीआर जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनके अलावा अजय देवगन सर तो आप तो पता है बॉलीवुड में कितने जबरदस्त कितने बड़े स्टार है वो मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं। उसके अलावा एक एक्ट्रेस जो सिर्फ बोलते ना ग्लैमर के लिए नहीं है, आलिया भट्ट मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस में से जो वाकई में एक्टिंग जानती है। तो सोचो वहां पर आपको आलिया भट्ट भी देखने मिलेंगे, यानी कि आरआरआर अपने आप में एक बड़ी फिल्म इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें एसएस राजामौली तो है लेकिन साथ साथ जो एक्टर्स है वो वाकई में एक्टर है, वो सिर्फ ग्लैमर के लिए या वो पब्लिसिटी के लिए या मतलब वो बहुत बड़े स्टार इसलिए नहीं, वो लोग एक्टिंग भी करते हैं। वो हर एक छोटी सी स्क्रिप्ट अगर कॉमन भी स्क्रिप्ट रहेगी ना तो उसको एक बहुत ही बड़ी फिल्म बना देते और उनकी प्रेजेंस ही वो फिल्म हिट कर देता। और सोचो जब एसएस राजामौली सर उनको डायरेक्ट करेंगे और फिल्म में आपको डेफिनेटली कहानी तो देखने मिलेगी और उनके एक्टर्स का जो एक नाम है जिन तरह से लोग एक्टिंग करते सोचो ये फिल्म कितनी ग्रैंड हो जाएगी। और वही अगर केजीएफ चैप्टर 2 की बात करो तो आज में रॉकिंग स्टार यश तो देखने मिलेंगे डेफिनेटली, वो तो उस फिल्म की एक मेन जान है। लेकिन उसके अलावा संजय दत्त जो कि फिर से
बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर में से मतलब विलेन का रोल अगर प्ले करते तो उसके सामने हीरो भी फीका पड़ जाता, और अगर हीरो यश जैसा हो तो सोचो फिर मुकाबला क्या टक्कर का होने वाला है। उसके अलावा केजीएफ चैप्टर 2 में आपको रवीना टंडन भी देखने को मिलेगी, बहुत ही स्पेशल से छोटा सा रोल होगा मगर बहुत ही स्पेशल रोल होगा। तो कुल मिला के दोनों फिल्म इतिहास की इंडियन हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी बोलते ना मोस्ट एक्साइटेड फिल्म होने वाली, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कैमरा लेके अगर बाहर निकलूंगा फैंस लोग से पूछूंगा ना तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि लोग केजीएफ चैप्टर 2 का वेट कर रहे हैं या आरआरआर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फिल्म लोगों को बहुत पसंद है, दोनों ही फिल्म के जो एक्टर्स है वो पसंद है, और दोनों ही फिल्म के जो डायरेक्टर है वो भी लोगों को पसंद है, और दोनों ही फिल्म के जो मेकर्स है वो लोगों को चूतिया नहीं बनाएंगे, इतना तो मैं यहाँ पर आपको गारंटी कह सकता हूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं बस आप लोगों को अपनी एक्साइटमेंट शेयर करना चाहता था, और आप लोग अभी कुछ मत करो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बस अपनी एक्साइटमेंट बताओ, और मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर कुछ भी इस वीडियो में मेरी गलती हो गई या कुछ छूट गया होगा इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप वेट करें मेरे अगले वीडियो का दिल दैट, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैं भी हूं आपसे कल किसी नए वीडियो में, दुआ में याद रखना, मैं हूं राशि शेख।